छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी कायराना करतूत को अंजाम दिया है। ऑपरेशन पर निकले जवानों पर आईईडी से हमला किया है। नक्सलियों के इस हमले में एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाने की बातचीत चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ के जवान नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर एक ऑपरेशन के लिए निकले थे। इस दौरान नक्सलियों ने अचानक जवानों पर आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इस ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 4 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा ब्लास्ट की सूचना मिलने पर मौके पर अतिरिक्त फोर्स को भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बल ने बुधवार को मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया था। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। वहीं मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर सहित 2 जवान घायल हुए हैं। घायल सब इंस्पेक्टर सतीश पाटिल महाराष्ट्र की C-60 फोर्स के जवान हैं। उन्हें बाएं कंधे पर गोली लगी है। घायल होने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से कांकेर के बांदा से गढ़चिरौली भेजा गया। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें।